क्योंकि सीधे तौर पे कह रहे हैं जो थाने के जो हादसे हुए हैं वहां पर जितने 18 लोगों की जान गई थी उससे अभी तक कोई सीख हासिल नहीं हुई है। हम देख पा रहे हैं कि जहां तक अगर हॉस्पिटल और मेडिकल कंडीशंस है वो पूरे महाराष्ट्र के बारे में बात करिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बिगड़ते हुए हालात है, जहां पर हम देख रहे हैं कि लोगों की लगातार जाने जा रही है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर अवेलेबल नहीं है, वहां पर मौजूद नहीं है। अब नांदेड़ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अगर इतने लोगों की मौत हो रही है और वो भी 24 घंटे में, ये कुछ हालात के बारे में सही तरह से दिखाता है, एक्सपोज करता है कि वहां पे फिलहाल महाराष्ट्र में मेडिकल कंडीशन आखिरकार लोगों की क्या है। अदिति हमारे साथ जुड़ी हुई है, अदिति जरा बताए कि क्या कह रहे हैं शरद पवार। Well, exactly, Amita, as pointed by you, NCP Supremo is calling it a failure of Shinde Sarkar that how can such a big tragedy take place in a government hospital where 20 people died within 24 hours and in that 12 newborn babies were also involved. Now, Sharad Pawar is saying the unfortunate incident of death of 24 people including 12 newborns in 24 hours in a government hospital in Nanded is literally mind-blowing. Just 2 months ago, there was an unfortunate incident where 18 people died in a single night in Kalwa Hospital of Thane Municipal Corporation. But due to not taking this incident seriously, such a very serious incident was repeated in the government hospital in Nanded. This shows the failure of government systems. At least considering the seriousness of these unfortunate incidents, the state government needs to ensure that the concrete steps are taken so that these incidents are not repeated and the lives of innocent patients are saved. धन्यवाद आपका अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए। जवाब मांग रहे हैं जहां तक हम देख पा रहे हैं विपक्षी दल जितने हैं, चाहे वो एनसीपी क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस क्यों ना हो, शिंदे सरकार से वही हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर ही तभी कोई बयान कोई जवाब इस मुद्दे पर देंगे। धन्यवाद आपका अदिति। चलिए आगे